इवेंट कंपनी के ज़ेरे इहतमाम होने वाली लॉन्चिंग तकरीब में फैशन की दिलदादा ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और किशाने ब्रांड के मलबूसात में खासी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। ब्रांड के मलबूसात की खास बात यह है कि इनमें डिजिटल प्रिंट्स का इस्तेमाल बड़े मुनफरद अंदाज में एम्ब्रॉयडरी और स्टोन्स के साथ किया गया है, जिनमें नौजवान लड़कियों की दिलचस्पी काबिल दीद थी। सारिफ ख़वातीन का कहना था कि ईद के मौका पर नए ब्रांड्स के मलबूसात बहुत ही आरामदेह और दिलकश दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस ब्रांड की लॉन्चिंग से ईद की शॉपिंग में आसानी हो गई है, इसलिए नए डिज़ाइनर्स को मार्केट में अपना काम लॉन्च करना चाहिए। सिल्क पे बहुत फ्लोई, बहुत प्लेन और बड़े एलिगेंट से और ट्रेंडी से डिज़ाइन, तो इस तरह की वैरायटीज होनी चाहिए। एक तो इस तरह के डिज़ाइनर्स की वैरायटी देखकर और स्पेशली सिल्क का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है कनाशे के ब्रांड ने, इसमें एक फ़र्क तरह की एक लाइन नज़र आती है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग और यू नो लॉट ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग हैज़ बीन यूज्ड। कशाने ब्रांड के डिज़ाइनर परखा खान का कहना था कि उन्होंने ख़वातीन के जहनों और जदीद फैशन के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अपने मलबूसात डिज़ाइन किए हैं। नई लाइन लाए हैं हमने, ऑयल प्रिंट्स जो ऑयल पेंटिंग्स थी एंशियंट टाइम्स की, उनको हमने सिल्क के साथ मिक्स करके तो नए कट्स के साथ यंगर जनरेशन के लिए हम लोग ये कट्स और नए डिज़ाइंस लाए हैं। ईद के पुरमसरत मौका पर मुनासिब कीमतों के साथ जदीद फैशन के तकाजों से हम आहंग मलबूसात लाहौरी खवातीन की कमजोरी साबित हुए हैं। ये बात किशाने ब्रांड की लॉन्चिंग तकरीब में सारिफ खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत और गहरी दिलचस्पी से वाजे हो गई है। कैमरामैन नाना यास के साथ जैन मदनी, सिटी 42।